हमारे अधिकारी दिल्ली सरकार के इस समस्या को पहले ही हल कर लेते तो ये समस्या ही ना बनती। मेरी खुद की दुकान पे सिर्फ चावल आया है, गेहूं का एक भी दाना नहीं है। हमारे पास माल है नहीं तो लड़ने मरने को तैयार होगा, कहाँ से बांटेंगे? अगर आज हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम पूरी दिल्ली में राशन बांटना बंद करवा देंगे। डीएम की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तो पता चलेगा सारी बात कि क्या हुआ। ये गलती क्लेरिकल मिस्टेक तो है नहीं है, 50,000 बोरी की कोई जीरो लगाना तो भूल नहीं गए डीएम साहब कि एक जीरो भूल गए, क्लेरिकल मिस्टेक है। यदि हम ग्राहक को ये दिखाएं कि हमारे पास माल नहीं, वो कहेगा मशीन दिखाओ, तो उसमें तो सारा बैलेंस है, वो कहेगा ये तुमने खा लिया, ये भी झगड़ा है ग्राहक के साथ। जो माल गीला जाता है यहाँ पर राशन भिगोगे भेजा जाता है, जो कि पब्लिक हमको गालियाँ देती है राशन गीला और गंदा कैसे आया, तो उसकी भी हम कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, माल गीला कहाँ से आता है। जूट की बोरी लेनी उसके पैसे अलग लिए जाते हैं, लेबर को अलग दिए जाते हैं, दुकानदार कहाँ से लाएगा उनको पैसे देने के लिए, बताइए आप। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मायापुरी में मौजूद है और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर ये धरना प्रदर्शन क्या है वो मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका ऑफिस है, और आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है। ये लोग कौन है वो भी मैं बता दूँ, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के ये सारे लोग हैं, और ये सब के सब यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं। ये लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के अधिकारी है, जो डीएम है, उनके ऊपर सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50,000 राशन में कटौती की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन आता है उसमें कटौती की जानी थी, ऐसे में डीएम की तरफ से जो कटौती की है वो एक ही गोदाम से कर ली गई है। ऐसे में जितने भी ये डीलर्स हैं इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब जनता इनके पास राशन लेने आती है तो किसी दुकान पर सिर्फ गेहूँ मिलता है तो किसी पर चावल मिलता है, तो ये जो दिक्कत है ये कब तक इनको फेस करनी पड़ती रहेगी, और आखिर ये वजह क्या है, कटौती करने का कारण क्या है, और जो ये इतना बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगाया जा रहा है अधिकारी पे वो किस हद तक सही है। सर, आज जो आपका संघ है दिल्ली राशन डीलर्स का जो संघ है आप लोगों का, लेकिन इस संघ द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि डीएम ने इतना बड़ा घपला किया है, किस हद तक ये सही है, क्या है पूरा? ये 100% का आपका केस, हमारा केस ठीक है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, दिल्ली के अंदर 2002 दुकानें हैं जिनमें 5 गोदाम आते हैं, 2 डीएम होते हैं, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनको एलोकेशन दी थी उसमें हर एफपीएस से बराबर का माल काट के काटना चाहिए था। इन्होंने क्या किया कि एक खाली मायापुरी गोदाम से ही 50,000 क्विंटल वीट एंड राइस काट दिया है। उसकी वजह से साउथ वेस्ट की 400 दुकानें, 2 दुकानें नई दिल्ली की आती है इसके अंदर, कुछ दुकानें वजीरपुर की आती हैं, अच्छा, उनसे 50,000 क्विंटल, उन दुकानों में क्या हुआ, तकरीबन किसी का माल तो बिल्कुल नहीं आया है वीट एंड राइस, किसी के पास वीट आ गया, किसी के पास राइस आ गया, उसको लेके ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और दिल्ली में हमारे कमिश्नर महोदय ने हमारी ईपोस मशीनों के अंदर पूरे का पूरा माल डाल दिया है, कोई कटौती नहीं की है मशीनों के अंदर। ऐसा केस अक्टूबर के महीने में हुआ था, 372 क्विंटल गेहूं और वीट एंड राइस काटा गया था, उसको अब मशीनों से उस एफपीएस का हटाया जा रहा है। उस एफपीएस का क्या कसूर है जिन्होंने अपना माल बायोमेट्रिक के थ्रू बांट दिया है? अब 370 क्विंटल अगर मशीनों से हटेगा तो आने वाले समय में वो 370 क्विंटल की भी शॉर्टेज हमें पड़ेगी। आम जनता को दिक्कत क्या आ रही है कि पीटीएस प्रणाली बिल्कुल चरम सीमा पे है, इन्होंने अभी तक जनवरी का माल भी नहीं दिया है, तब की फरवरी का फर्स्ट वीक आने वाला है, इसी वजह से हर पब्लिक का आदमी परेशान है, चाहे वो दाढ़ी मजदूरी वाला हो, दैनिक रोजी रोटी वाला हो, श्रमिक हो, उनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही, खाली अपनी रोटी सेक रही है। अच्छा, ये माल केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया या डीएम की तरफ से कटौती की गई है? ये केंद्र सरकार की ऑर्डर है, लेकिन डीएम की गलती है कि सिर्फ उन्होंने मायापुरी गोदाम में कटौती कर दी। छह गोदाम में, अगर सभी गोदामों में थोड़ा थोड़ा माल, डीएम सुधीर कुमार जी के नीचे 3 गोदाम यहाँ आते हैं और एक डीएम शक्तिनगर है, उनके नीचे। लेकिन जो कटौती की जा रही है, आप लोग बोल रहे हैं कटौती करनी है जो मायापुरी, लेकिन कटौती करने का कारण क्या मैं बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बने हुए हैं जो कि दिल्ली सरकार को अंत्योदय कार्ड बनाने
पड़े थे जिनकी 7 लाख यूनिट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी, जो ये नहीं उठा रहे हैं, 2 लाख का उठा रहे हैं। तो उन्होंने पीआर कार्ड में 5 लाख कार्ड कम कर दिए कि जब तुम नहीं उठा रहे थे इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ये आनंद फानंद में इतनी जल्दी आदेश लिए गए, वो सारा का सारा हमारे मायापुरी में दे दिया गया, जबकि इनके नीचे 3 गोदाम आते हैं, ओखला और क्या नाम पूसा इनके नीचे आता है और 3 शक्तिनगर के नीचे आते हैं। शक्तिनगर डीएम ने एक दाणा किसी का नहीं काटा, लेकिन इन्होंने अपना नंबर बनाने के लिए सारा राशन यहाँ तोड़ दिया। ये हमें चोर बताते हैं, सबसे बड़े चोर यही बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा चोर कोई हो ही है ही नहीं, जो पानी मार मार के तो माल भेजने लग रहे हैं। हर गाड़ी पर 3-3 क्विंटल 2.5 क्विंटल माल घट जाता है, जब से ये डीएम आया है जब से ज्यादा पंगा चल रहा है। क्या नाम है इस डीएम का? ये सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी मैम। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो राशन आप लोगों को कम, प्रॉब्लम इसी ने खड़ी करी है, ये जो और गोदामों से माल नहीं काट गया, सारा माल जो है इसी गोदाम से काट गया, गोदाम से काटा गया सारा माल। गलती नहीं है ये गलती नहीं है, ये करप्शन है, ये जानबूझ के सोच समझ के ये किया गया। जैसे आप बता रहे हैं पीएम और सीएम दोनों का आप लोगों के पास अभी माल आ रहा है और ऐसे में जनता को आप लोग दे रहे हैं, अभी आपके पास गेहूं ज्यादा है या चावल ज्यादा है? 50-50% ये मतलब दोनों, हाँ उसमें किसी के पास में किसी का एक का गेहूं पहुंच गया, एक का चावल पहुंच गया, मतलब पीएम का चावल पहुंच गया पूरा, सीएम का गेहूं आ गया। तो जिस चक्कर में ना तो वो डबल बांट पा रहा है ना सिंगल बांट पा रहा है, तो काफी दिक्कत हो रही है। तो वो दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है, जनता जब आप लोगों के पास आती है और आपके पास सामान ही नहीं मिलता, क्या कहते हैं वो लोग? देखो जब सामान ही नहीं होगा तो बट नेचुरल एडजस्टिंग नहीं होगा तो हमारे पास जवाब है, हमारे पास कि आप हमें रोज क्या देते हो, कल आना, हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है तो हमको जवाब क्या दे पाए? गालियां देते हैं ग्राहक, गालियां देते हैं, लड़ने मरने को तैयार होते हैं, गला पकड़ने को तैयार होते हैं ग्राहक। अच्छा बताइए, एक तरफ जहां दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने 6 महीने और राशन फ्री कर दिया है, ऐसे में आपको नहीं लगता जितनी गलती डीएम की है कटौती करने में उतनी दिल्ली सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ है कि उनको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था? पूरा मैडम दिल्ली सरकार का 100% आता है इसमें, यदि उनको पहले ही ये चीज हल कर देते तो आज हमारे को ये समस्या ही ना होती। तो ये है ना जी कि अगर इसकी श्योरिटी हो जाती है, इसके ऑर्डर आ जाते हैं 50,000 क्विंटल के माल डिलीवरी के ऑर्डर रिलीज ऑर्डर हो जाते हैं तो हम फिर बांट सकते हैं, तो कम से कम ये सांत्वना तो दे सकते हैं हम अपने ग्राहक को भाई, एक दिन या दो दिन हो जाएगा। तो आगे से आप लोगों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं? नहीं, हमें अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ऑर्डर ही नहीं है ना अभी, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर ही नहीं है इसका रिलीज का, ये 50,000 जो रुका है माल इसका कोई रिलीज ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली सरकार तो बार बार जैसे कह रही है कि आगे तक का राशन फ्री हो गया, तो कहाँ से दे पाएंगे फिर जनता को आप लोग? जब अब ये यही तो समस्या अटक रही है ना कि ये डिपार्टमेंट देखे इसको, इन्होंने ये 50,000 क्विंटल जो एक ही गोदाम से काटा है, जो सफर कर रहे हैं वो इसी गोदाम के जो लिंक है दुकानदार वही तो सफर कर रहे हैं, बाकी गोदामों में तो बराबर गया सबका। बाकी गोदामों नहीं, मतलब है दिल्ली सरकार जो कह रही है कि हम 6 महीने फ्री देंगे, दिल्ली सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल पे देती है कमीशन, जो हम वो जनता से लेते थे वो जनता से ना लेके वो दिल्ली गवर्नमेंट हमें देगी, सिर्फ वो फ्री है, ना कि पूरा राशन दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती है, सिर्फ 2 रुपए देती है वो किलो पे। हमारे सभी लोग अपनी ई पोस्ट मशीन लेकर आए, दिखाइए अपनी ई पोस्ट मशीन, या तो हमारी ई पोस्ट मशीन अपने पास जमा कर लो, नहीं तो हमारी दुकान पर राशन तुरंत भेजा जाए ताकि हम पब्लिक को राशन दे सकें। हम राशन देने के लिए तैयार हैं, भारत सरकार के योजना को पूरी तरह से सफल करने की तरह गरीब के घर घर जहाँ राशन पहुँचे उसके लिए पूरी सहायता करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, जो ये राशन की बात की जा रही है वो कौन सा राशन है? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि भारत सरकार दे रही है और पिछले 2 साल से कोरोना काल में अलग से एक स्पेशल स्कीम के तहत दे रही है, जो कि राशन की दुकानों पे नहीं पहुंच पाया, ये वो राशन है। तो ये देखा आपने मायापुरी से पूरी रिपोर्ट, किस तरीके से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन संघ के द्वारा किया जा रहा है, इनका कहना है कि दुकानें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक राशन इनकी दुकानों में पूरा नहीं भर जाता। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिर ऐसी योजनाएं क्यों बनाई जाती है, आखिर ऐसे समय को आगे क्यों बढ़ाया जाता है, जो अवधि है राशन बांटने की वो क्यों 6 महीने किया गया जब आम जनता को वो राशन दिया ही नहीं जाएगा। बीच में जो अधिकारी बैठे हैं वो अगर इसी तरीके से राशन को लेकर भ्रष्टाचार करते रहेंगे और आम जनता को इसकी वजह से दिक्कत होती रहेगी, और देखना ही होगा कब तक इसमें कोई समाधान निकल कर आता है और ये डीलर्स जो है वो आम जनता को राशन बांट पाते हैं। तो इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो ऐसे अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।